हेलो स्टूडेंट्स, मौसमी एंड क्लर्स, क्वेश्चन नंबर 80, साइकेट्री सब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए 52 ईयर ओल्ड मेल क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ सिज़ोफ्रेनिया इज अबाउट टू बी डिस्चार्ज टू ए हाफ वे हाउस। दिस इज द फिफ्थ एडमिशन इन लेस देन 1 ईयर। ही इम्प्रूव्स वाइल इन द हॉस्पिटल बट आफ्टर डिस्चार्ज ही फॉरगेट टू टेक हिज मेडिकेशन, इज अनेबल टू फंक्शन एंड मस्ट बी रीहॉस्पिटलाइज्ड। ए मेडिकेशन दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड IM बाई द नर्स टू दिस क्लाइंट ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस एवरी 2 to 3 weeks इज हेल्डोल, वैलियम, लिथियम कार्बोनेट, प्रोलिक्सिन डिकेनोइट। प्रोलिक्सिन डिकेनोइट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लें जल्दी से। चलिए क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप आंसर लगाइएगा। 52 ईयर ओल्ड मेल क्लाइंट है और डायग्नोसिस क्या है? सिज़ोफ्रेनिया। अबाउट टू बी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होने के लिए रेडी है और ये फिफ्थ एडमिशन है उसका 1 साल के अंदर। मतलब 1 साल से भी कम समय में वो 5 बार एडमिशन ले चुका है। हालांकि वो इम्प्रूव करता है वाइल इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में वो इम्प्रूव करता है, बट आफ्टर डिस्चार्ज जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो फॉरगेट टू टेक हिज मेडिकेशन, वो अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाता है, जिस वजह से अनेबल टू फंक्शन एंड मस्ट बी रीहॉस्पिटलाइज्ड और उसे फिर दोबारा एडमिट होना पड़ता है। इस कंडीशन में नर्स कौन सा IM ड्रग मेडिकेशन इन चारों में से इस क्लाइंट को एडमिनिस्टर करने के लिए रिकमेंड करेंगे हर 2 से 3 हफ्ते में एज ए OPD पेशेंट, एज ए आउट पेशेंट बेसिस। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं क्या हटाता हूँ, सी हटा देता हूँ, लिथियम कार्बोनेट। किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? मूड डिसऑर्डर की, यानी मेनिया की बात करें तो ठीक है, मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस। वैलियम भी आंसर नहीं है क्योंकि वैलियम एक बेंजोडाइजीपाइन है, बेंजोडाइजीपाइन मतलब एंटी एंजाइटिक, तो ये भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि केस हमारा सिज़ोफ्रेनिया का। दवाइयाँ लेना भूल जाता है। अब दो बच्चे, हेलिडॉल आप समझ गए होंगे, हेलिडॉल मतलब हेलोपेरिडॉल की बात हो रही है और एक प्रोलिक्सिन डिकोनेट। अब देखिए दोनों ही ड्रग, ये भी मैं आपको बता दूं एंटीसाइकोटिक है और ये भी एंटीसाइकोटिक है और दोनों ही सिज़ोफ्रेनिया में दी जाती हैं और दोनों के ही IM इंजेक्शन, IM एज ए IM रूट अवेलेबल है। प्रोलिक्सिन आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये ब्रांड नेम है, आप फ्लूफिनाजाइन सोंडर साहब पढ़ेंगे तो फ्लूफिनाजाइन के ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक ड्राई माउथ करके। तो फ्लूफिनाजाइन को ही प्रोलिक्सिन डिकोनेट बोलते हैं और एक इधर हेलोपेरिडॉल है। इसका सही आंसर है डी। क्यों है? हेलिडॉल भी वी कैन एडमिनिस्टर बट इट हैज ओनली ड्यूरेशन फॉर 4 to 8 hours, केवल 4 से 8 घंटे का ही ड्यूरेशन होता है हेलोपेरिडॉल का, जबकि फ्लूफिनाजाइन एडमिनिस्टर्ड फॉर एवरी 2 to 3 weeks। तो इसे हम एज ए IM इंजेक्शन हर 2 से 3 हफ्ते में OPD पेशेंट के बेसिस पे लगा सकते हैं। इट हैज ओनली ड्यूरेशन ऑफ 4 to 8 hours, सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर 6 week ECT ट्रीटमेंट, व्हाट इंटरवेंशन बाय द नर्स इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट ड्यूरिंग द 6 week ट्रीटमेंट प्रोग्राम? टायरामिन फ्री डाइट, अवॉइडेंस ऑफ एक्सपोजर टू सन, मेंटेनेंस ऑफ स्टडी सोडियम इंटेक एंड एलिमिनेशन ऑफ बेंजोडाइजेपाइन्स फॉर नाइट टाइम सेडेशन। जल्दी से सोच लें, एलिमिनेट करें, आसान क्वेश्चन है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं।
शुरू करें। एक क्लाइंट है जो शेड्यूल्ड किया गया है 6 वीक ECT प्रोग्राम के लिए, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है वो और उसको 6 हफ्ते के लिए ECT ट्रीटमेंट रिकमेंड किया गया है। सेफ्टी पर्पज के हिसाब से नर्स क्या इंटरवेंशन मेंटेन करेंगे इस 6 वीक ट्रीटमेंट प्रोग्राम के तहत? इन चारों में से ऐसा कौन सा स्टेप है जो नर्स मेंटेन करेगी फॉर द सेफ्टी रिगार्डिंग इन चारों में से? एलिमिनेट करते हैं, टेरामाइन फ्री डाइट, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है हमारी लास्ट से लास्ट क्लास में, और रिलेटेड विद एंटी डिप्रेजेंट स्पेशली MAOI मैंने बताया था वहाँ। एक्सपोजर टू द सन, ये तो एंटीसाइकोटिक की बात हो गई, ये तो कोई साइड इफेक्ट, फोटो सेंसिटिविटी इज नॉट द साइड इफेक्ट ऑफ ECT, फोटो सेंसिटिविटी ECT का साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। सोडियम इनटेक इज रिलेटेड विद, लास्ट क्लास आपको याद होगी, लिथियम, तो ये भी आंसर नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने एक वीडियो में आया था कि बेंजोडाइजेपाइंस रिस्क ऑफ सीजर्स बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ था। बेंजोडाइजेपाइंस सीजर्स का रिस्क रेज कर देते हैं और काउंटर प्रोडक्ट हो सकता है, ECT भी सीजर प्रोड्यूस करेगी और बेंजोडाइजेपाइंस अगर क्लाइंट ले रहा है तो भी सीजर्स का और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है जो कि रॉन्गफुल एक्ट होगा। तो नर्स एलिमिनेट करेंगे बेंजोडाइजेपाइंस को सेडेशन के लिए ड्यूरिंग 6 वीक ऑफ ECT ट्रीटमेंट। समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, द फिजिशियन ऑर्डर्स इमिप्रामाइन 75 mg 3 times per day, व्हाट नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग दिस ड्रग टू ए क्लाइंट? अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बारबिट्यूरेट विद दिस ड्रग, वॉर्न द क्लाइंट नॉट टू ईट चीज, फर्मेंटिंग प्रोडक्ट और चिकन लिवर, ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर इंक्रीज्ड टॉलरेंस सो दैट द थेरापिटिक डोजेज इज मेंटेन्ड, हैव द क्लाइंट चेक्ड फॉर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर IOP एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू बी अलर्ट फॉर सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एक फिजिशियन ने इमिप्रामाइन ड्रग ऑर्डर की है और डोज है 75 mg TDS, इन चारों में से इस ड्रग को देते समय नर्स क्या ध्यान रखेगा, क्या अप्रोप्रिएट एक्शन हमें क्लाइंट को टीच करना है? अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बारबिट्यूरेट, बारबिट्यूरेट जो ड्रग्स हैं उनको अवॉइड करेंगे इस ड्रग को देते समय। क्लाइंट को वार्न करेंगे कि वो चीज़, लिवर या कोई भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट या मीट वगैरह ना खाए। ऑब्जर्व करेंगे कि क्लाइंट की टॉलरेंस तो नहीं बढ़ रही कहीं डोज से, ये डोज की जो इमिप्रामाइन डोज है इससे कहीं टॉलरेंस तो नहीं बढ़ती जा रही, ताकि उसकी थेरापेटिक डोज मेंटेन रहे। और क्लाइंट को चेक करेंगे IOP के लिए, कहीं उसका IOP तो नहीं बढ़ रहा, कहीं उसे ग्लूकोमा तो नहीं हो रहा, उसके सिम्टम्स के बारे में उसे बताएं। लास्ट 5 सेकेंड। शुरू करते हैं, सबसे पहले सबसे इजी वाला हटा देते हैं जो बिल्कुल भी नहीं है, थेरापिटिक डोज मेंटेन, इंक्रीज टॉलरेंस, ऐसा तो लिथियम के केस में ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ज़्यादा सेंसिटिविटी रखता है, तो ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर ये लिथियम के लिए होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आंसर नहीं है। अब तीनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, बट कई क्वेश्चन हम MAOI पर सॉल्व कर चुके हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पर कर चुके हैं, और वहाँ चीज़, लिवर, चिकन, टायरामिन, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी टायरामिन आया था,
तो ये MAOI के केस में हम इस तरह के प्रोडक्ट खाने के लिए क्लाइंट को मना करेंगे, जबकि यहाँ पे कौन सी ड्रग दी हुई है, एमेप्रामाइन। अब बचे दो, बारबिट्यूरेट जितनी भी एंटी एंजाइटिक ड्रग होती हैं, ये अगर MAOI के साथ दी जाएं तो सेडेशन और बढ़ाती हैं, प्रोलोंग सेडेटिव इफेक्ट, प्रोलोंग्ड हिप्नोटिक इफेक्ट MAOI के साथ, बट नॉट स्पेसिफिक विद इमिप्रामिन, बट नॉट स्पेसिफिक विद इमिप्रामिन। तो बारबिट्यूरेट ड्रग को अवॉइड करने की जरूरत इमिप्रामिन के साथ नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। इमिप्रामिन हैज द सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ ग्लूकोमा IOP। सो ग्लूकोमा के सिम्टम्स के बारे में हम क्लाइंट को टीच करेंगे, अलर्ट करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा कि MAOI के साथ बारबिट्यूरेट नहीं देनी है और चीजी प्रोडक्ट वगैरह ये नहीं खिलाने हैं, जबकि इमिप्रामाइन का एक साइड इफेक्ट है ग्लूकोमा। सो नर्स मेजर करेंगे कि कहीं उसका IOP इंट्राओक्युलर प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा, या ग्लूकोमा के रिगार्डिंग कौन कौन से सिम्टम उसके होते हैं वो क्लाइंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि वो अलर्ट रहे इस तरह के सिम्टम आने पर। राइट आंसर इज डी। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।